गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपरली एनालाइज करना है अगर आपको डायरेक्टली किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है फॉर योर रिटायरमेंट सेविंग्स। और सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था इनकम स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करना है। आज मैं आपको बताऊंगा बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करना है। बैलेंस शीट आपको दिखाता है कंपनी के असेट्स कितने हैं, कंपनी के पास कितने इक्विपमेंट्स हैं, कंपनी के पास कितनी इन्वेंटरीज है, कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है, ये सब बैलेंस शीट आपको दिखाता है। बैलेंस शीट चार्ट में ये भी दिखाता है आपको कि कंपनी पे लायबिलिटीज़ कितना है। लायबिलिटीज़ आपको या फिर आपको अकाउंट पेबल में दिखेगी या फिर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोस के सेक्शन में दिखेगी बैलेंस शीट में। और तीसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बैलेंस शीट को एनालाइज करते समय वो ये है कि बैलेंस शीट में आपको एक इक्विटी का सेगमेंट दिखेगा विच एंड इक्विटी इज डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड लायबिलिटी। इक्विटी यानी कि उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनके पास कितना शेयर्स है उस कंपनी के, और इक्विटी हमेशा लायबिलिटी के सेक्शन के नीचे मिलेगा आपको बैलेंस शीट में। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है अगर किसी बैलेंस शीट को आपको एनालाइज करना है फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फॉर योर रिटायरमेंट सेविंग्स, और अगर किसी कंपनी में आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है तो ये बैलेंस शीट को पढ़ने का तरीका है। आने वाले वीडियोस में और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है उसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे उसको सिंपली तरीके से पढ़ना है उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। थैंक यू।